हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्कशीट 38, क्लास 9th है, जिसका सब्जेक्ट साइंस है और डेट है 6 अक्टूबर। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मोशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन आज हम पढ़ेंगे एंड सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। पहले हमें दिया है ड्राइव, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आज हम पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे और टाइम पोजीशन रिलेशन विद बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जर्व द गिवन वेलोसिटी, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें दिया है वो देखेंगे। ऑफ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट, जो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट हो, जहाँ पर जो u होगा वो u जो है 0 के अनइक्वल होगा। फॉर द ग्राफ, ग्राफ के लिए u कैन सी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट u, यू की वेलोसिटी हम देख सकते हैं एट पॉइंट ए, जैसा कि हमें पॉइंट ए पर बताया गया है। विच इंक्रीज टू वी, वो क्या कर रही है, वी को इंक्रीज कर रही है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ से ये वी को इंक्रीज कर रही है एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद द वेलोसिटी चेंज एट आ यूनिफॉर्म रेट ए, जो वेलोसिटी चेंज हुई है इस पे यूनिफॉर्म रेट ए पर। ठीक है, सेकंड में ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे बी सी टू पॉइंट बी, बी से। ठीक है, बी सी लाइन ड्रॉ करेंगे ऑन एक्स एक्सिस, किस पर, एक्स एक्सिस पर, यानी कि इस वाली पर टाइम। ठीक है, उसके बाद थर्ड हमें दिया है हेयर इनिशियल वेलोसिटी, हेयर इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी एंड टाइम इंटरवल इज रिप्रेजेंटेड ओ ए बी सी एंड ओ सी रिस्पेक्टिवली। फोर्थ में कहा है वी नो डेट द डिस्टेंस, यानी कि एज ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, जो भी ट्रेवल किया गया एक ऑब्जेक्ट से, इज ऑब्टेन बाय एरिया, एरिया से ऑब्टेन हुआ है इनक्लोज विद, और किससे इनक्लोज होगा, ओ ए बी सी अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए बी, किससे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए बी से। अब उसके बाद जो भी, मतलब ओ ए बी सी जो है अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए बी में इनक्लोज हो गया। ठीक है, फिफ्थ में कहा है सो द डिस्टेंस ट्रेवल, जो भी डिस्टेंस ट्रेवल हुई ऑब्जेक्ट से वो इक्वल होगा एरिया ऑफ किसके, ओ ए बी सी के। ठीक है, और या फिर हम ये क्या कर सकते हैं कि एस इक्वल को हम ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, जिसे हम डिवाइड कर देंगे टू से। हेयर ओ ए जो है वो यू है, यानी कि ओ ए यू है, बी सी जो है वो हमारी वी है, और ओ सी जो है वो हमारा टी टाइम है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला बनता है कि एस इक्वल यू प्लस वी करेंगे और इनटू, एक मिनट, यू प्लस वी अपॉन में टू, और यहाँ पर एक्स टी आ जाएगा इनटू टी। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिलेशन फर्स्ट इक्वेशन का देखें ऑफ मोशन का, तो v इक्वल यू प्लस ए टी होता है, तो इसका फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा t इक्वल v माइनस यू अपॉन में a में। ठीक है, अब देयर फॉर रिप्लेसिंग इट इक्वेशन वन, इक्वेशन वन रिप्लेस हो जाएगी, तो वो क्या बन जाएगा, x इक्वल टू s इक्वल टू यू प्लस v हो जाएगी, और एक हो जाएगी v माइनस यू। ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा और नीचे 2a आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, अब इससे जो है थर्ड इक्वेशन पुट होगी। अब वो थर्ड इक्वेशन क्या पुट होगी कि 2as इक्वल हो जाएगा v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, इससे ये पुट हो गया। ठीक है, इससे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें मिल गई। उसके बाद यहाँ पर हमें बोला है इज देयर एनी सिचुएशन, अगर कोई भी सिचुएशन होती है वेयर जो स्पीड है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, इन मोशन रिमेन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट हो जाएगी बट स्टिल एक्सेलरेटेड, वो लेकिन एक्सेलरेटेड होगी या नहीं। इट हैपन्स, ऐसा जब होगा व्हेन एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अंडरगोज यूनिफॉर्म सर्कुलरली मोशन, इफ वी मूव अ स्टोन, अगर हम स्टोन से मूव करते हैं टाइड टू थ्रेड अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ वाइल बींग स्टेशनरी एट पॉइंट, कैसे हो जाता है, स्टेशनरी हो जाता है पॉइंट पे, इट्स स्पीड, जो उसकी स्पीड होती है, मे रिमेन कॉन्स्टेंट, वो कॉन्स्टेंट होती है, बट द डायरेक्शन ऑफ मोशन
विल कीप ऑन चेंजिंग कॉन्टेस्ट कंसेंटली, यानी कि वो चेंज होती रहेगी कॉन्स्टेंटली. द टाइप ऑफ मोशन, जो भी टाइप होगा मोशन का वो हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाएगा. ठीक है, ऐसे ही आगे हमें दिया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जब भी कोई जो ऑब्जेक्ट होगा मूव विद अ कांस्टेंट, वो कांस्टेंट से मूव करेगा स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ, कैसे सर्कुलर पाथ पे, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड, उसके मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे. एग्जांपल, एन एथले रनिंग ऑन अ सर्कल ट्रैक, एक एथले जो कि रनिंग कर रहा है किस पे, एक सर्कल ट्रैक पे. ठीक है, अ सैटेलाइट रिमूविंग ऑन अर्थ, जो सैटेलाइट है वो रिमूव करती है, वो रिवॉल्विंग होती है. इफ़ द रेडियस, अगर कोई रेडियस है सर्कल की इज आर, वो आर है. ठीक है, रेडियस को हमने आर मारा. एंड टाइम टेकन टू कम्प्लीट, और जो टाइम माना है कम्प्लीट करने के, वन लैप इज टी, उसे हम टी माना. इफ वी, अगर वी डिनोट कर दें हम वेलोसिटी या ऑफ ऑब्जेक्ट की, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू पाई आर अपॉन में टी, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन पूछे हैं हमसे. फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, राइट फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन बताने. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हम ये लिखेंगे, ठीक है, ये होगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन एंड मोशन का, ये वाला. और थर्ड का हम लिखेंगे, थर्ड इक्वेशन मोशन ये वाली, ठीक है, और फर्स्ट की हम लिखेंगे, एक मिनट, ये वाला. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला ये ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन मोशन और नीचे फॉर्मूला, और यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसके सामने फॉर्मूला. ये हमारा आंसर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया यहीं पर. ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में पूछा है, ड्राइव द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ. उसके लिए हम ये आंसर लिखेंगे, ठीक है, ये रहा हमारा आंसर. v का हम लिखेंगे u प्लस at, v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as, और s इक्वल u प्लस, ये है u प्लस 1 अपॉन में 2, ठीक है, at. ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर नंबर सेकंड. उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पूछा है, गिव थ्री एग्जांपल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलेशन मोशन. ये रहा हमारा आंसर, सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलेशन मोशन आर द रोटेशन ऑफ द ब्लेड्स ऑन द सीलिंग फैन, अ बॉल रोलिंग ऑन अ फ्लोर इन अ कांस्टेंट वेलोसिटी, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ एट कांस्टेंट हाइट. ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर नंबर थर्ड. उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ एन एथले हु कंप्लीट्स वन लैप सर्कुलेशन ट्रैक विद, ट्रैक इज कितना आर, 100 मीटर दी है, तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कुलर ट्रैक कितना आर, 2 पाई आर. ठीक है, इसका फॉर्मूला पुट करेंगे तो 2 इंटू 22 अपॉन में 7 होता है ना, 2 इंटू 22 अपॉन में 7 इंटू में 100 रख लेंगे, जिसका जो सॉल्यूशन हमारा आया 628.57 आया है. ठीक है, ये स्पीड का फॉर्मूला लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है. ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस कितनी है ये, और टाइम है 1 मिनट, इसको सॉल्व करेंगे, 1 मिनट को ले जाएंगे 60 सेकंड में, तो यहाँ पर हमने अब लिखा 60. ठीक है, जब हमने 628.57 को 60 रखा तो हमारा आंसर आया 10.47 मीटर पर सेकंड. ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर नंबर फिफ्थ. बच्चों, यही थी मेरी वर्कशीट. आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.